हाँ शैलेंद्र जी, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, अभी ये जितने भी वाइट कीज हैं ये नेचुरल की हैं, शुद्ध। अब एक सीखना है कि ये ब्लैक कीज क्या होते हैं, इसका भी कुछ नाम वगैरह है। जी हाँ, मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जितने भी ब्लैक एंड वाइट कीज हैं ये सभी हाफ टोन है। जब कोई नेचुरल की का हाफ टोन ऊपर जाता है, इंक्रीज होता है, जैसा ये सी है, ये नेचुरल की है, इसका अगर हाफ टोन इंक्रीज करते हैं तो ये इस ब्लैक में आ जाता है। ये तो ये ब्लैक, ये सी का इंक्रीज है हाफ टोन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सी शार्प। ओके, नेचुरल की सी का हाफ टोन इंक्रीज हो जाने से ये ब्लैक नोट कहलाएगा सी शार्प। उसी तरह से सी के बाद आता है डी, ये नेचुरल की है, इसका हाफ टोन इंक्रीज होने से इसका नाम हो जाएगा डी शार्प। ई, ई का कुछ नहीं है, इसके बाद एफ है, एफ का हाफ टोन इंक्रीज एफ शार्प। जी, जी का हाफ टोन इंक्रीज जी शार्प। ए, ए का हाफ टोन इंक्रीज ए शार्प। बी सी, तो अभी आप देख लिए हैं कि जो शार्प जो होता है वो नेचुरल की का हाफ टोन इंक्रीज हो जाने से वो ब्लैक में आ जाता है। तो ये हो गया है सी का सी शार्प, डी का डी शार्प, ई एफ, एफ का एफ शार्प, जी, जी का जी शार्प, बी ए सॉरी ए, ए का ए शार्प, बी सी। ये तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोह ऑर्डर में। अब हम अवरोह ऑर्डर में लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे ये सी है, सी का स्थान कहाँ है, हर दो ब्लैक के पहले वाला जो रहता है वो सी का स्थान है वो। तो यहाँ से अभी हम लौटते हैं, सी बी ए जी एफ ई डी सी। अब देखिए, अब ये बी, बी का हाफ टोन हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे हाफ टोन, तो ये बी का हाफ टोन डिक्रीज होकर के यहाँ आ जाएगा। ये तो ये हो जाएगा, इस ब्लैक की का नाम हो जाएगा बी फ्लैट, क्योंकि ये बी का हाफ टोन डिक्रीज है। उसी तरह से ए का हाफ टोन डिक्रीज हो जाने से इसका नाम हो जाएगा ए फ्लैट। जी, जी का हाफ टोन डिक्रीज हो जाने से ये हो जाएगा जी फ्लैट। एफ, एफ का नहीं है, ई, ई का हाफ टोन डिक्रीज हो जाने से इसका नाम हो जाएगा ई फ्लैट। डी, डी का हाफ टोन डिक्रीज हो जाने से इसका नाम हो जाएगा डी फ्लैट। अब लौटते समय में ये जितने भी ब्लैक कीज हैं फ्लैट कहला रहे हैं, और जाते समय ये सब शार्प कहलाएंगे। अब चूंकि ये जितने भी वाइट कीज हैं सबका एक ही नाम है, सी डी ई एफ जी लाइक दिस, लेकिन ब्लैक कीज के अब दो नाम हैं। जैसा इसका नाम है सी शार्प, क्योंकि ये सी का हाफ टोन इंक्रीज हुआ है। इसका नाम है डी फ्लैट, इसलिए कि ये डी का हाफ टोन डिक्रीज हुआ है। ये है डी का इंक्रीज डी शार्प, ई फ्लैट का डिक्रीज ई फ्लैट, एफ, एफ का इंक्रीज एफ शार्प, जी का डिक्रीज जी फ्लैट, जी का इंक्रीज ये हो जाएगा जी शार्प, ए का डिक्रीज कम होगा आधा, ये तो ये इसका नाम हो जाएगा ए फ्लैट। अब ये है ए के डिक्रीज में है ये ए शार्प, बी का डिक्रीज बी फ्लैट। तो ये पांचों की का नाम जो ब्लैक हैं वो सबका नाम आपको कंठस्थ याद कर लेना है। तो ये एक ऑक्टेव में जो 12 स्वर हैं उसमें
शुद्ध स्वर हैं, नेचुरल की हैं 7, और ए जो है फ्लैट और शार्प हैं ये 5 हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हो सके तो वीडियो भेजिएगा हमको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।